हालेलुया, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आप सबको 15 अगस्त 2021 की बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आपको आशीष करे आज के दिन के लिए, आज के आज़ादी के दिन के लिए। हम सब आज़ाद हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको आज के इस दिन में ब्लेस करे और आज की पवित्र हजूरी में, परमेश्वर के पवित्र भवन में वो आपको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुलाजी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परिश्रम के बाद आशीष। जिस तरह 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 के 58 आयत में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, आज मुझे मसीह में 17 साल पूरे हो चुके हैं और यह मेरा परमेश्वर में 18वां साल शुरू हो चुका है। 2004 में प्रभु में आने के बाद भी मेरा ध्यान आत्महत्या करने से नहीं हटा था। तब परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की थी कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और यह वचन मेरे दिल को छू गया था। तब मैंने सोचा कि अगर मैं मेहनत करूं, परिश्रम करूं, तो मैं अपनी बीमारियों से, डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा से और हर एक परेशानी से आज़ाद हो सकता हूं। तब मैंने मेहनत करनी शुरू की, प्रार्थना, उपवास रखने शुरू किए और घंटों तक परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे उपवास इसलिए शुरू करवाए ताकि मैं परमेश्वर में और उसके वचन में आगे बढ़ सकूं। इसलिए परमेश्वर ने डिप्रेशन के दुष्ट आत्मा को और बीमारी को इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर का असली मकसद तो मुझे अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना था। मेरे प्रियो, आज आप भी अपनी बीमारी, दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन और श्रापों में आज़ाद हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप चंगे नहीं हो रहे हों, लेकिन आपको यह जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में परिश्रम को, यानी प्रार्थना, उपवास को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर अपनी असली मर्जी को आपके जीवन में जाहिर कर सकें और आपको इस्तेमाल कर सकें। मेरे प्रियो, आप बाइबल में परमेश्वर के किसी भी दास के बारे में पढ़कर देख लो, उन्होंने बिना परिश्रम किए परमेश्वर के भेदों को नहीं लिया, क्योंकि आपकी ज़्यादा मेहनत के ऊपर ही आपकी उत्तम आशीष निर्भर करती है। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। अय्यूब ने घोर निराशा में भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। एलिया ने कितनी मेहनत की होगी कि उसने आसमान से आग उतारी और लोगों ने कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी प्रकार लोगों को आपकी आशीष से लगना चाहिए कि आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन आज बहुत सारे मसीही लोग मेहनत नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा करे, उनके व्यापार को आशीष करे और उनके श्रापों को तोड़े, लेकिन वह परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है और फिर शैतान भी उनके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, जो मेहनत मैंने उस समय की, उसका नतीजा आज आप लोग मेरे जीवन में देख रहे हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा नतीजा देखना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें, मेहनत करें, यानी अपनी प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और उपवास को और ज़्यादा बढ़ाएं। तब देखना परमेश्वर आपके जीवन से ऐसी आशीषों को निकालेगा कि आप हैरान होंगे और अपनी गवाही के साथ में खड़े होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं मसीह में अपनी मेहनत को बढ़ाऊँगा ताकि मैं आपके मकसद को अपने जीवन में पूरा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। इन जीसस नेम ब्लेस्ड हो। Have a blessed day in Jesus' name.